हाय फ्रेंड, इट्स विकास सुमन और आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉन्ग का लेसन लेकर आया हूं जो कि है तेरे जैसा यार का। बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि इस सॉन्ग का लेसन प्रोवाइड किया जाए, तो मैंने सोचा आज इस सॉन्ग का लेसन दिया जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये किस स्केल का सॉन्ग है। तो बेसिकली ये जो हमारा ओल्ड सॉन्ग तेरे जैसा यार कहाँ है, वो ए मेजर स्केल का सॉन्ग है। बहुत सारे स्केल से आप इसे बजा सकते हैं, लाइक अगर आप जिस स्केल पे कंफर्टेबल हो, बट मैं इसे ओरिजिनल स्केल में देने जा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल स्केल से भी ये सॉन्ग बहुत ऊंचा नहीं है गाने में, तो आप लोग ओरिजिनल स्केल से ही प्ले करें तो काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि लगने वाले कॉर्ड्स कौन कौन से हैं और हमें रिदम पैटर्न कौन सा इस सॉन्ग के लिए यूज़ करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉर्ड्स कौन कौन से लगेंगे और तब जाके मैं डिस्कस करूँगा कि रिदम पैटर्न आपको किस तरह से प्ले करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ए मेजर स्केल का सॉन्ग है और लगने वाले कॉर्ड्स हैं ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर और बी माइनर। बस इन्हीं चार कॉर्ड पे ये पूरा का पूरा सॉन्ग बजा हुआ है। तो बस अगर आप ये चार कॉर्ड बहुत अच्छे से प्ले करते हैं तो आप इस सॉन्ग को काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो बारी बारी से मैं सारे कॉर्ड्स आपको बताता जाऊंगा, कॉर्ड्स का चार्ट आपको स्क्रीन पे आता जाएगा, आप वहां से देखकर इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। अगर आप पहले से इन कॉर्ड को जानते हैं तो आप थोड़ा स्किप करके इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कॉर्ड हमें किस तरह से गिटार पे पकड़ना है। तो ये ए मेजर स्केल का सॉन्ग है और सबसे पहला कॉर्ड हमारा होगा ए मेजर। तो ए मेजर कुछ इस तरह से आपको लेना है और स्क्रीन पे आपको ए मेजर आता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं या देखकर अच्छे से प्ले कर सकते हैं। दूसरा कॉर्ड हमारा है डी मेजर और ये भी आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से इसे देखकर अच्छे से प्ले कर सकते हैं। थर्ड कॉर्ड इज ई मेजर और ये भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से इसे देखकर अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और एट लास्ट बी माइनर और बार कॉर्ड पे अगर आप लेना चाहें तो इस तरह से, और स्क्रीन पे सेम कॉर्ड फ्लैश होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हमारा था कि कौन कौन से कॉर्ड लगेंगे इस सॉन्ग में और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिदम पैटर्न आप लोगों को इस सॉन्ग के लिए किस तरह से प्ले करना है। तो पहले भी मैं इस रिदम पैटर्न को बहुत सारे सॉन्ग में बता चुका हूं, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जैसे लास्ट सॉन्ग मैंने दिया था, सेम रिदम पैटर्न इसमें भी यूज़ होगा। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके उसे बताऊंगा और आप उसे देखकर अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो रिदम पैटर्न हमारा है 4/4 का ही एक रिदम पैटर्न मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें, क्योंकि ये 4/4 का सॉन्ग है। तो फर्स्ट स्ट्रोक हमारा होगा डाउन एंड सेकेंड स्ट्रोक इज अगेन डाउन, देन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप। एक बार फिर से आप लोग देखें, डाउन 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 अप 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 डाउन डाउन अप। आप इस रिदम पैटर्न को बहुत स्लोली देखें कि मैं कैसे प्ले करता हूं, ठीक है। डाउन 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 अप 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 डाउन डाउन अप डाउन 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 अप 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 डाउन डाउन अप। और सेम रिदम पैटर्न आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ नजर आ रहा होगा, आप वहां से इसे देखकर अच्छे से नोट करके इसे प्ले कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉन्ग के स्पीड में आपको किस तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने स्पीड में सॉन्ग के साथ इस कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, इस रिदम को प्ले करते हैं। आपके लिए ज़रूरी है ये जानना कि आप रिदम पैटर्न को किस तरह से सॉन्ग में यूज़ करें और स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉन्ग के स्पीड में करके देखेंगे इसको। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे कॉर्ड्स पे तो आपको सॉन्ग प्ले करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब मैं इस सॉन्ग का कॉर्ड देने जा रहा हूँ और कॉर्ड बारी बारी से स्क्रीन पे आता जाएगा और आप वहाँ से इसे नोट करके इसे अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस सॉन्ग का कॉर्ड शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें सॉन्ग में कॉर्ड्स प्ले करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया
जाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाया, बैठा दिया पलक पे मुझे खाट से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाया, बैठा दिया पलक पे मुझे खाट से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जैसा यार कहां ऐसा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। Thank you.